हेलो एवरीवन, सनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फेस की हेयर को रिमूव करने के लिए जो रिका की बीन वैक्स है, इससे हम हेयर को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है, अच्छे से बालों को निकालती है कि नहीं निकालती है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और ये मैं ले लूँगी, इस तरह से हीटर में डाल लूँगी और अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। और ये मैंने स्टिक का पैचुला ले लिया है, इससे हम अप्लाई करेंगे हेयर पे और देखते हैं कि रिका की जो बीन वैक्स है वो अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है, बालों को अच्छे से रिमूव करती है कि नहीं करती है। इस तरह से वैक्स मेल्ट हो गई है, जब अच्छे से पूरी मेल्ट हो जाएगी फिर हम हेयर पे अप्लाई करेंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो गई, इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। जब अच्छे से मेल्ट होकर गाढ़ी हो जाती है, इस तरह से हम फिर ले लेंगे, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, और हेयर पे हम लगाएंगे। पहले हमने पाउडर लगा लिया है, जो मॉइस्चर है पाउडर सोख लेता है, और इस तरह से बालों की डायरेक्शन में ही हम मोटा मोटा इस वैक्स को लगाएंगे, मोटी परत लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको खींचेंगे। इस तरह से पाउडर लगा लिया है और हम फिर वैक्स को अप्लाई करेंगे। बालों की डायरेक्शन में ही हम लगाएंगे, मोटी परत लगाएंगे ताकि अच्छे से खींचने में आसानी हो फिर। और इस तरह से स्किन को टाइट पकड़ लेंगे, इस तरह से टाइट स्टिच कर लेंगे हम स्किन को, और अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से ये इसने बालों को अच्छे से निकाल लिया है, जो बड़े बाल हैं अच्छे से क्लीन हो गए हैं पूरे। और इस तरह से हम हेयर की डायरेक्शन में ही हम अप्लाई करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको खींचेंगे। पहले स्किन को टाइट पकड़ लेंगे और फिर हम इस तरह से निकाल लेंगे वैक्स को ऊपर की तरफ खींच के। और ये बालों को अच्छे से रिमूव कर रही है, अगर हम जो छूट रहे हैं उस पर हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर वो भी अच्छे से निकल जाएंगे। इस तरह से दबा देंगे वैक्स लगा के और फिर हम इस तरह से स्किन को टाइट पकड़ते हुए वैक्स जो वैक्स लगाई उसको धीरे धीरे स्टिच करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये अच्छे से बालों को इसने अच्छे से रिमूव किया और जो बच गए हैं इस पर हम दोबारा लगाएंगे। इस तरह से ये अच्छे से काम कर रही है। जो मार्केट में नॉर्मल बीन वैक्स आती है उससे तो कुछ हेयर निकलते हैं और बाकी हेयर नहीं निकलते हैं। इस तरह से जो नॉर्मल बीन वैक्स मार्केट में मिलती है उससे अच्छे से काम नहीं करती है, उन बीन वैक्स से तो बेटर रिका की ये बीन वैक्स बेटर है। इस तरह से हम पूरे फेस की हेयर को रिमूव करेंगे। इस तरह से वैक्स को अप्लाई करेंगे, बालों के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालेंगे। इस तरह से किनारे के छोर को पकड़ेंगे और खींचेंगे फिर। इससे पूरे फेस की हेयर को हम निकालेंगे। और अच्छे से ये हेयर को निकाल रही है। जो छूट रहे हैं उस पर हम दोबारा लगाएंगे तो दो बार में ये अच्छे से निकाल देगी हेयर को। इस तरह से हम पूरे फेस की हेयर को निकालेंगे। आप वॉच कीजिए पूरे किस तरह से हमने पूरे फेस की हेयर को इस बीन वैक्स से निकाला है। और एंड जब पूरे बाल निकल जाते हैं फिर हम जेल से हम फेस पे दे देंगे, और जिससे कि ठंड स्किन को हाइड्रेट मिले, स्किन को मॉइस्चर भी मिलेगा और
एक ठंडक भी मिलेगी। आप वॉच कीजिए। इस तरह से पूरे फेस के जो हेयर है उनको निकालने के बाद फेस कितना क्लीन हो गया, ग्लोइंग हो गया है। और अब हम इस पे लगा रहे हैं एलोवेरा जेल, जिससे कि स्किन को अच्छे से ठंडक भी मिलती है और जो पोर्स खुल गए थे बाल निकालने के बाद वो भी क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हम आइस भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो रेडनेस होती है वो ठीक हो जाती है। इस तरह से आप इसके बाद आइस भी लगा सकते हैं। इस तरह से इनकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है और सारे हेयर अच्छे से निकल गए हैं, स्किन क्लीन हो गई है। जो रेडनेस है थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। आप इसके ऊपर आइस भी लगा सकते हैं, आइस से मसाज कर सकते हैं।